कि इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी को अपनी आंखों से मात्र 13 से 14 वर्ष की उम्र में देखा था। हरि सिंह इतिहास बनाई गए अमर उनका नाम, आज भी सारे डुकरियों पर उनकी ठंडी शान, आज भी सारे डुकरियों पर उनकी ठंडी शान। हरि सिंह इतिहास बनाए गए। दर्शकों नमस्कार, मैं रवि शर्मा। इस वक्त मैं अरजिंदरपुरा गांव में हूं, जहां पर आज महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस है, बड़े ही उत्साह के साथ जो है मनाया गया है। गांव के युवाओं ने, गणमान्य नागरिकों ने एक हवन का जो कार्यक्रम रखा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में, और हवन करने के बाद उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर अगरबत्ती जलाकर उनको जो श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने जहाँ पे पटाखे फोड़े और उसके बाद मिठाइयाँ बांटकर उनके जन्मदिवस की जो खुशी मनाई है, साथ में ही जो महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर माननीय एलजी की तरफ से छुट्टी घोषित की है, उनकी आज पहली छुट्टी है। 70 सालों से जो लड़ाई लड़ रहे थे युवा, कहीं ना कहीं जम्मू के डोगरे जो लड़ रहे थे, लेकिन पहली बार उनको आज छुट्टी मिली है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी देखने को मिला है। और इस वक्त उसी गांव के एक बुजुर्ग हैं मेरे साथ, रुमाल सिंह जी। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी को अपनी आंखों से मात्र 13 से 14 वर्ष की उम्र में देखा था। जानते हैं इनसे कि भाई किस तरह के लगते थे देखने में, कैसा स्वभाव था। अंकल जी, जी तुसे मी दस्या कि तुसे महाराजा हरि सिंह को नहीं दिखे दा और जिंद्रपुरा बोलना चाहे, तो थोड़ा सानू दस्सगे उहदे बारे च वी। राजेंद्रपुरा बबूना में नहीं आए थे, गुड़ा सलाती में आए थे। अच्छा। जाते जाते वो मिलते जा रहे, फिर उन्होंने शायद स्टेट को छोड़ देना था, बम्बे जा रहे थे, और उनका क्या कहें, उनका मिलना जुलना इतना अच्छा था सबके साथ, इतना लोगों को जैसे कोई अपने ही घर के कोई आदमी हो ऐसा लग रहा था, और देखने में इतने खूबसूरत थे और इतने उनका चेहरा देखा नहीं जाता, इतने उनके चेहरे के अंदर एक नूर था, चमकते थे। तो इतनी ही बात मेरे उनसे, मैं तो कोई बात कर नहीं सका, हम लोग तो बच्चे थे, लेकिन देख रहे थे उनका जो मिलना जुलना था बहुत ही अच्छा था सबके साथ। कितनी देर के लिए गुड़ा सलाथिया में रुके थे? गुड़ा सलाथिया में करीब मेरा ख्याल है कोई आधा घंटा या पौना घंटा रुके थे। उस टाइम गुड़ा के और जहाँ के जम्मू के तकरीबन सांबा भी सब लोग, बहुत ज़्यादा जनता इकट्ठी हुई थी उधर, बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। तो उस वक्त जब आपने उनको देखा, कहीं ना कहीं उनके दिल में ऐसा था कि अब मैं जम्मू कश्मीर छोड़ के जा रहा हूँ, तो कुछ उनके चेहरे पे कोई उदासी मर कुछ आपको ऐसा, बेशक आपका बचपना था लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम जो 14-15 वर्ष की उम्र थी काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ, जिस टाइम वो छोड़कर जा रहे थे कुछ उनके अंदर थोड़ी ऐसा लगता था कि कभी जो बोलने में वो थोड़ा कभी कभी दिल में ऐसा लग रहा था कि कुछ उनके अंदर महसूसी सी मालूम हो रही थी, कुछ ऐसा लग रहा था, कोई चिंता जैसी उसके मुँह में लग रही थी जब वो यहाँ से जा रहे थे, ऐसा कुछ लग रहा था। आखिरी शब्द उनके गुड़ा सलातिया में जो आपको याद हो? आखिरी शब्द मुझे कोई भी याद नहीं है। बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि करीब 25-30 साल से इसके लिए हम लोग जदोजहद और लड़ाई कर रहे थे, आज बहुत ही खुशी है कि महाराज हरि सिंह का आज जन्मदिन है। मेरा नाम अंकुश जम्वाल, मैं राजेंद्रपुरा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के गांव का रहने वाला हूं। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि महाराजा हरि सिंह जी को की जो छुट्टी एलजी गवर्नर साहब जी ने अनाउंस की है वो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय योग्य कार्य है, और हम यहां पे सभी नौजवान हमारे यहां पे इकट्ठे हुए हैं और हम बड़ी धूमधाम से ये छुट्टी मना रहे हैं। यहाँ पे लड्डू वगैरह बांटे गए हैं, हवन वगैरह किया गया है, और हमने महाराजा हरि सिंह जी को यहाँ पे एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो पेश की है। गांव में सेवीरा कश्मीर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का गांव राजेंद्रपुरा बगुना में, जहां पे हमने महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की खुशी का इजहार किया है, मनाया है, जिसके उपलक्ष्य में हम सब गांव वालों ने उनको श्रद्धांजलि भी भेंट की और उनके नाम का जो जश्न मनाया और मनाया है। हम उस गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं जिस गवर्नमेंट ने जो हमारी आवाज़ सुनी, डोगरा सभ्यता की आवाज़ सुनी, सब लोगों की आवाज़ सुनी और छुट्टी घोषित कर दी। हम उस गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। मैं सुचैनी दा उपजीत सिंह जम्वाल सुचैनी दा
मैं इतने ब्रिगेडियर साहब के पार्क में इसी इस उपलक्ष्य में महाराज हरिसुंद की छुट्टी के उपलक्ष्य में अस इतने श्रद्धांजलि देने आए थे और इस उत्सव भी मनाने आए थे। 1949 च उनका निर्वासन होया इतों उसले दे साढ़े लोगों के बीच एक बड़ी बड़ी टीस ही कि जिन्हें परिस्थितियों उन्हें इतों मूव किया उसके बाद बथेरे एजिटेशन भी कीतिया लोगों लेकिन कुछ ने साड़ी अज एक आवाज़ नहीं सुनी। अज आऊँ युवा जरा युवा राजपूत सभा के सदस्य न अस उनका बहुत धन हैगी हैं बड़ी मेहनत की उन्हें बच्चे और सारे लोगों का उन्हें साथ हर कौम का साथ उन्हें मिले हर तबके ने उन्हें उन्हें साथ दिता और असें अजे जरा कि जश्न मनाने असें उनकी छुट्टी मिली अस बड़े धनभागी हैं उन्हें युवा राजपूत सभा रहे। मैं रिंपू जम्बाल ग्राम बगुने का रौह वाला सारे को पहले इस डुगर प्रदेश और जम्मू के सारे डोगरे मती मतिया मुबारख जिंद लंबे संघर्ष और कड़ी मेहनत का अज जो नतीजा वो साढ़े डुगर प्रदेश के सामने है। अज महाराजा उनकी छुट्टी जी है वो 23 सितंबर की जी है अज जो पूरा डोगरा समाज जरा बड़े हर्ष और उत्साह मना अस अज जरा अस भी अज अपने ग्रां इंदा जो जन्मदिन का जो दिवस अज इसी ग्रां मनाने ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह हुंदा क्योंकि ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह हुंदा जो इतिहास है पूरा जीवनी है वो बड़ी इंदे कन्नै बड़े नज़दीकी कन्नै जुड़ी दी है। जिल्लै देश का एक पासा विलय होआ दा हा उल्लै साढ़े ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जी जिन्हें महावीर चक्कर मिले दा सेवियर ऑफ कश्मीर आखिया जाता अपने जम्मू कश्मीर के रक्षक आखिया जाता वह उल्लै जिल्लै लड़ाई लड़ा रहे उल्लै जिहड़ी विलय दी तैयारियां जिहड़ी जम्मू च होआ दी हन। मैं ज़्यादा पिछा तो नहीं जाऊँ लेकिन जम्मू के सारे ही गै जिन्ने डोगरा प्रदेश साढ़े लोग न उन्हें एक बार फिर मुबारकबाद देंगे कि तुहाड़े और जिन्ने भी साढ़े इत्थे एल जी साहब ने जिंदी वजह कन्नै जिहड़ी है जिहड़ा कार्य साढ़ा जिहड़ा पूर्ण होया जिहड़ी छुट्टी उनकी वजह कन्नै मिली है और स्पैशली खास करियै राजन सिंह एपी युवा राजपूत सभा की जिहड़ी उनकी टीम है उन्हें जिहड़ा बैठिए संघर्ष किया और खासकर जम्मू के बिच जिन्ने साढ़े डोगरा लोग हे डोगरा समाज की बखरी बखरी जातियों लोग जिन्हें इस संघर्ष उनका साथ दिता क्योंकि बड़े लंबी लड़ाई 20-30 कम से कम भी 20-30 साल की लंबी लड़ाई के बाद यह सानू दिन जिहड़ा देखना पिया। इहदे कन्नै कन्नै गै मैं अपनी तरफा रिंपू जम्बाल और डोगरा स्वाभिमान संगठन जिला अध्यक्ष सांबा की तरफ का सारे जम्मू वासियों की सारे डोगरें ही इस छुट्टी पर उन्हें अस मती मती मुबारकां देंगे और इस संदेश कन्नै कि जड़ा अज साड़ा भविष्य है जिन्हें अस यंग यूथ आखने वो एक नशे के पास जा दा और अस सारे की अपील करगे कि जिन्ने भी लोग सारे कट्ठे हुई है इस जम्मू के युवा की जड़ा बचाना वो साड़ा धर्म है और नशे के खिलाफ जड़ा लड़ना वो साड़ा धर्म है आओ सारे मिली इस नशे ही जड़ा इस जम्मू चा खत्म है। आज भी कहीं ना कहीं इनको सुकून होगा कि उन्होंने अपने डुग्गर प्रदेश के महाराजा हरि सिंह जी को अपनी आंखों से देखा है और जब हम जहाँ पे आए तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ उनके बारे में और जानकर ये भी खुशी हुई कि वह बहुत ही सादापन स्वभाव के व्यक्ति थे देखने में बहुत खूबसूरत थे और अपने लोगों की कहीं ना कहीं चिंता भी करते थे। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहें दैनिक स्टैंडर्ड समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। धन्यवाद।